अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत यूनानी। जिन भाइयों ने जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों हमारा जो ये चैनल है इस पर हम हकीमों के सीने के राज पेश कर रहे हैं और वे नुस्खे पेश कर रहे हैं जिसे कोई भी हकीम नहीं बताता। इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमारे चैनल पर बताए हुए नुस्खे आप प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए, क्योंकि हम चाहते हैं जितने भी मुजर्रब नुस्खे हैं हम आम पब्लिक की खिदमत के लिए पेश करें और जहाँ तक भी होगी इंशाअल्लाह ताला हम अच्छे से अच्छे नुस्खे अपने चैनल पर पेश करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नुस्खे का नाम है हब्बे जाफरान। बनाने में भी आसान है, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। इसका जो फ़ायदा है, इसके बेमिसाल फ़ायदे हैं, जो भी बनाएगा वो बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएगा। ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब है, बहुत ही फ़ायदेमंद दवाई है, अक्सीर दवाई है। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। दिल में दर्द है उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और किसी को दिल के वाल बंद हो, ब्लॉकेज हो, उसके लिए भी ये बहुत ही मुजर्रब है, मुफीद है। आसाबी कमज़ोरी में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी को थकावट रहती हो, कमज़ोरी महसूस होती हो, उसके लिए भी इसके बेमिसाल फ़ायदे हैं। किसी की पसलियों में दर्द रहता हो, अंग्रेज़ी दवाई खा खा कर थक चुके हैं और पसलियों का दर्द ना जा रहा हो, उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन है। निमोनिया के दर्द में भी आप इसको खिलाएंगे तो बेमिसाल फ़ायदे मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब चीज़ है। निमोनिया में, पसली के दर्द में, कमज़ोरी में, थकावट में, आसाबी कमज़ोरी में, यूरिक एसिड में, दर्द दिल, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इन सभी के लिए बेमिसाल फ़ायदे हैं। तो चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। नुस्खे में आपको पंसार की दुकान पे जाना है और उनसे ये चीज़ें एक नंबर की लेनी है, गली सड़ी नहीं लेनी है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की साफ़ सुथरी चीज़ें लेनी है। इसमें आपको लेना है नान ख्वा, ये आपको लेना है 30 ग्राम, जंजबील ये भी आपको लेनी है 30 ग्राम, अश्वगंधा नागौरी ये भी आपको लेनी है 30 ग्राम, सुरंजान सिरी ये भी आपको 30 ग्राम लेनी है, और फिलफिल सिया ये भी आपको 30 ग्राम लेनी है, और फिलफिल दराज ये भी आपको 30 ग्राम लेनी है, और जाफरान कश्मीर वाली लेनी है, कश्मीरी जाफरान ये आपको लेनी है 6 ग्राम, और पुदीना का पानी 150 ग्राम, लहसुन का पानी ये भी लेना है आपको 150 ग्राम, और अदरक का पानी ये भी आपको लेना है 150 ग्राम। यानी कि पुदीने का पानी, लहसुन का पानी और अदरक का पानी, ये तीनों 150 ग्राम ही लेना है। अब आप इस नुस्खे को बनाएंगे कैसे, इसका हम तरीका बताते हैं आपको कैसे बनाना है। ये जंजबील
नानखुआ, जंजबील, अश्वगंधा नागौरी, सुरंजान सीरी, फिलफिल सिया और फिलफिल दराज, ये 30-30 ग्राम इनका बिल्कुल साफू पाउडर बना लें और जाफरान को भी इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर ले, खूब बिल्कुल सफू पाउडर बनाकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और फिर आपको पुदीने का पानी, अदरक का पानी और लहसुन के पानी में बारी बारी से इसको भावना देनी है, यानी कि इसको उसमें बिल्कुल तर कर देना है, फिर खुश्क कर लेना है। जब ये सारा पानी जज्ब हो जाए फिर इसको मिलाकर आप मटर के समान नाखुदी गोली बना ले, चने के समान गोली बना ले और ये आपको एक एक गोली सुबह शाम नीम गर्म पानी से लेनी है। कुछ दिन लेते रहने से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो आपका बढ़ा हुआ है वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यूरिक एसिड भी बिल्कुल आपका कुछ दिनों में लेते रहने से ठीक हो जाएगा, आसाबी कमज़ोरी में भी बहुत अच्छा आराम मिलता है, थकावट को दूर करेगा और कमज़ोरी को भी दूर करेगा और पसलियों में जो दर्द है, नमूनिया है, छाती में इन्फेक्शन है, उसी में लिए बेहद मुफीद है। तो दोस्तों आप ये नुस्खा बनाएं और इस्तेमाल करें, बनाने में भी बहुत ही आसान है, इंशाअल्लाह ताला जो भी बनाएगा वो याद करेगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नुस्खों का फ़ायदा उठाए। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।